वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की मेरी पहली टिप है वो चॉपिंग बोर्ड को लेकर है। अक्सर सर्दियों में हम हरी हल्दी लाते हैं पर उसके जो स्टेन रहते हैं वो चॉपिंग बोर्ड पर लग जाते हैं और वो आसानी से नहीं निकल पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले लीजिए हाफ़ टी स्पून जितना बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। फिर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून जितना नमक और इसके ऊपर डालेंगे आधा नींबू का रस और फिर करीबन डालेंगे एक चम्मच जितना विनेगर। इन सभी को उस जगह पर डालिए जिस जगह पर हल्दी के दाग हो। आप चाहें तो फिर इसे 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। हमने जो आधा नींबू लिया था उससे हम इस मिश्रण को अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ धब्बे हैं वहाँ पे रगड़ के रख देंगे। आपको इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस मिश्रण की सहायता से आपका चॉपिंग बोर्ड जम से भी फ्री हो जाएगा। 5 मिनट छोड़ने के बाद हम ब्रश की सहायता से इसे रगड़ देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे स्टील के जूने का या स्कॉच ब्राइट का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आसानी से जल्दी से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीला दाग था वो कितना निकल चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको स्टील का झूने का भी यूज़ करके दिखाऊंगी। तो जिनके पास ये वाले ब्रश नहीं है वो झूने का भी यूज़ कर सकते हैं और इससे भी ये दाग अच्छे से निकाल देता है। रगड़ने के बाद हम इसे पानी से वॉश कर लेंगे एक बार। तब देखिए अब मैं फाइनल इस पर डालूंगी जो हमारा लिक्विड रहता है बर्तन धोने का, वो डालूंगी और एक बार क्लीन कर लूंगी। तो अब देखिए कितने अच्छे से हमारे दाग निकल चुके हैं। अब मैं इसको वॉश कर लूंगी पानी से और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। तो ये टिप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर पोंछ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसा था हमारा चॉपिंग बोर्ड और कैसा हो चुका है। तो ये टिप ज़रूर से घर पे ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 2 मेरी चॉपिंग बोर्ड को लेकर है। कई बार ऐसा होता है कि हम सब्जियां काटते वक्त चॉपिंग बोर्ड इधर से उधर फिसलता रहता है, तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो स्टेशनरी वाली रबर बैंड आती हैं वो दोनों तरफ लगा लें। इससे क्या होगा कि चॉपिंग बोर्ड की ग्रिप अच्छे से आपकी बन जाएगी और वो यहाँ से वहाँ हिलेगा नहीं। आप देख सकते हैं कि अब ये नहीं हिल रहा है। तो ये टिप ज़रूर से आजमाइएगा। टिप नंबर 3 मेरी चाकू को लेकर है। कई बार हम नया चाकू लाते हैं पर वो हमें खोलने नहीं मिलता है तो हमें ग्रिप का पता नहीं चलता है, तो काटते वक्त हमारी ग्रिप अच्छे से नहीं बनती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो इसका एक छोर है वहाँ पर आप रबर बैंड ऐसे लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी ग्रिप अच्छे से बन जाएगी और आपका हाथ भी कटने से बच जाएगा। चौथी टिप मेरी पत्ता गोभी को लेकर है। जो वर्किंग वूमन है उनके पास बहुत टाइम नहीं होता है। अगर आपको पत्ता गोभी जल्दी से काटना है और एकदम पतला पतला काटना है सैलेड के लिए, सब्जी के लिए, तो ये आप ट्रिक आजमा सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या कीजिए, उसको 2 हिस्सों में चाकू की मदद से काट लीजिए। फिर हमें यहाँ पे यूज़ करना है जो वेफर बनाने का ग्रेटर होता है वही। अब इसको एक छोर की मदद से इसको अच्छे से घिस डालिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो पतले पतले कैबेज भी छिन जाएंगे और ये आप कैबेज को सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं और सैलेड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको हाथों में कट ना लग जाए। तो आप देख सकते हैं कितना पतला पतला हमारा कैबेज छिन चुका है और बिल्कुल भी देर नहीं लगी हमें। तो है ना मज़ेदार टिप। तो आज की मेरी 5वीं टिप है तांबे के बर्तन को लेकर। अगर आप इसे जल्दी से चमकाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है पिचकू, जी हाँ, टोमेटो कैचअप का। बस एक चम्मच जितना टोमेटो कैचअप लीजिए, उसको अच्छी तरीके से बर्तन पर लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्रश का। आप चाहें तो स्कॉच ब्राइट का भी यूज़ कर सकते हैं और स्टील के झूने का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 5 मिनट लगाकर ऐसे छोड़ दीजिए, फिर झूने की मदद से इसे घिस डालिए।
मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से ब्रश की सहायता से लगा दे रही हूँ ताकि इसका एक भी कोना छूटे ना, और साथ ही साथ इसको रगड़ते भी जा रही हूँ। आप देखेंगे कि विद इन अ मिनट में आपकी प्लेट एकदम नए जैसी हो जाएगी और आपको इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको यहाँ पे स्कॉच ब्राइट से भी रगड़ के दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इतना इसको रगड़ा नहीं है, फिर भी ये बहुत ही जल्दी साफ़ हो चुका है। और आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको वॉश भी नहीं किया और ये नए जैसी लग रही है। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी इसको पानी से भी नहीं धोया है और ये कितना साफ़ हो चुका है। मैं आपको दूसरी तरफ से भी इसको दिखा दूँगी कि नए वाली प्लेट नहीं, वही है पुराने वाली, तो मैंने दूसरी तरफ नहीं लगाया था। और आप देख सकते हैं ये कितना चमक रहा है, जैसे ये नया बर्तन हो वैसे ही। अब मैं इसको पानी से वॉश करके आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पानी से वॉश कर लिया और ये देखिए एकदम नया लग रहा है ना। कोई कहेगा कि ये आपका पुराना बर्तन था, आप देखिए इसकी चमक सिर्फ लग रहा है ना नया जैसा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल बटन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।